Hello everyone, this is Meera Sethi and you are watching me on Something Hot. It's a platform I love and I know kyunki agar aap ye dekh rahe hain, you also probably love it. So like karna na bhulega aur subscribe karna na bhulega. Assalamualaikum, my name is Hasan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. चुपके चुपके की ऑलमोस्ट पूरी कास्ट के साथ हमने आपकी मुलाकात कराई, डायरेक्टर के साथ भी कराई, राइटर के साथ भी कराई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट सारी कास्ट के साथ मुलाकात कराई. एक कास्ट मेंबर ऐसी हैं कि जिन्होंने ड्रामे में किसी और को भी ज्यादा मजा करने नहीं दिया, और हम भी जब इंजॉय करने लगते थे तो ये आ जाती थी और ये कह रही थी कि होती थी कि मेरी नाक के नीचे अगर कोई गुल खिला जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है. आई हैव विद मी द वेरी टैलेंटेड एंड समबडी हु इज नॉट जस्ट एन एक्टर बट एन अकम्प्लिश्ड राइटर एज वेल, अ पब्लिश्ड राइटर. तो आज हम सिर्फ उनसे सिर्फ अदाकारी के बारे में बात नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन एंटायरली चुपके चुपके सेंट्रिक इंटरव्यू. मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ. प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग, ज्वाइन मी इन वेलकमिंग मीरा सेठी. अस्सलाम वालेकुम मीरा. अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ मीरा, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ. मैं सुबह सुबह उठी हूँ इस इंटरव्यू के लिए क्योंकि हमारा 12 आवर्स का टाइम डिफरेंस है, तो आपके रात के 10 बज रहे हैं मेरे सुबह के 10. थैंक यू वेरी मच मीरा. आपके फैंस को मैं बताना चाहूंगा, शायद ज्यादा लोगों को तो पता ही हो, और अगर नहीं पता तो बड़े अफसोस की बात है क्योंकि आप लोग शायद वोग नहीं पढ़ते. अभी मीरा का एक बड़ा जबरदस्त पीस आया था वोग में, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया जो कि स्प्रेड आउट है दो कॉन्टिनेंट्स में. मीरा राइट नाउ इज इन कैलिफोर्निया, शी इज इन सैन फ्रांसिस्को. मैं ऑफ कोर्स एक तंदूर में बैठा हूँ इस वक्त कराची में, तो हमारे बीच 12 घंटे का डिफरेंस है. थैंक यू वेरी मच मीरा, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने सुबह सुबह मुझे ज्वाइन किया. मेरे लिए तो 10:10 PM इज अ परफेक्ट टाइम, मुझे नहीं पता आपके लिए 10 AM इज टू अर्ली. नहीं, बहुत अच्छा है. हम लोग एक्चुअली इट्स वेरी क्वाइट हियर, तो हम लोग सो जाते हैं रात को 10 बजे और फिर मैं सुबह एक्चुअली 8 बजे उठ जाती हूँ, तो मेरे लिए काफी अच्छा टाइम था. मेरी इधर कोल्ड कॉफी भी मैंने बना ली है अपने लिए, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ. अच्छा, आपने अपने वोक के पीस में इस बात का जिक्र नहीं किया कि जो जब हम पाकिस्तान में, तो स्पेशली लाहौर में जो आपका होम टाउन है, वहां पे तो बड़ा लेट बैक एटीट्यूड है कि भाई जब तक रात के 2, 2:30, 3 नहीं बज जाते तब तक तो नींद कोसों दूर ही रहती है आपसे. बच्चे अमेरिका में शायद इसका उलट होता है, वहां पे तो जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ती है जाके. बिल्कुल. और फिर यू नो रिमोट वर्क, बिलाल जो है वो अपने इधर ऑफिस में काम कर रहे हैं अभी as we are conducting this interview, तो वो तो सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, तो इधर तो बहुत लाइफ इज डिफरेंट हियर. अम्मी अबू के लाड प्यार, वो इट्स वेरी, आई मीन इधर बिलाल का लाड प्यार है बट बस हम ही है अब इधर. मेरा सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा चुपके चुपके के लिए. It has emerged to be this blockbuster hit Ramzan mein, jo ke mera nahi khayal ki koi bhi anticipate kar raha tha, including the members of all the cast of Chupke Chupke. Danish bhai, the director se meri jab mulaqat hui to unhone kaha ki mujhe halka phulka lag raha tha kyunki masle ho rahe the set ke upar. Unhone kaha jab tak masle nahi hote set ke upar tab tak aapko ye realization nahi hoti ki kuch bada. Wo hamesha ye kehte the set par jab hum log has rahe hote the, aur Usma ji, aapko to pata hi hai, aapne unse bhi baat ki, to wo aur Obi aur hum sab itna matlab halla gulla kar rahe hote the, wo kehte the zyada na haso kyunki jis set par zyada log haste hain fir wo translate nahi kar pata screen par, aur jahan पीछे वो हो रहा थोड़ी टेंशन होती है, फिर ट्रांसलेट्स ब्यूटीफुली टू द स्क्रीन इवन इन कॉमेडी, तो वो ये बहुत मानते हैं इस बात. जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया और आपने गुले राणा का किरदार पढ़ा या समझा, तो आपने ये शिकायत नहीं की दानिश भाई से या चैनल से जिन्होंने, या प्रोडक्शन हाउस से जिन्होंने भी आपको रीच आउट किया था कि यार सब तो इतना हल्ला गुला कर रहे हैं और जुप्पे मार रहे हैं और मेरी तो लाइनें सिर्फ जो है वो उन जुकतों की या जो मजे लोग कर रहे हैं उनको कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो आपने कोई शिकायत की? बहुत अच्छा सवाल है हसन. द ट्रूथ इज कि मुझे सिर्फ 4 एपिसोड्स मिले थे, बिकॉज होता ये है कि बहुत जल्दी जल्दी फिर लिखा जाता है सीरियल एज वी गो अलॉन्ग. उस वक्त ये था कि हम उसको 2 महीनों में शूट करना था, हमने मार्च की पिछले साल की बात अब मैं कर रही हूँ, तो मुझे उन्होंने 4 एपिसोड्स भेजे और कहा कि टाइम नहीं है, जल्दी बताएं कि आप ये करेंगी या नहीं करेंगी. और मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि हाँ डाडी है, यू नो कि ठीक है डाडी बहन का कैरेक्टर है, बट
जो बाद में जाके मतलब जिस तरह वो तल्ख हो जाती है और इतनी मतलब शी इज क्वाइट क्रूअल आल्सो, शी इज क्वाइट अ टॉक्सिक कैरेक्टर एक्चुअली, आई एम नॉट गोइंग टू शाय अवे फ्रॉम सेइंग दैट. तो वो उस वक्त मुझे स्क्रिप्ट में ना तो नजर आया और ना ही इतनी स्क्रिप्ट, 30 एपिसोड्स नहीं मुझे मिले थे. तो महेश ने कहा आप कर लेंगी, आप कर लेंगी. महेश है एमडी प्रोडक्शन के, मतलब वो एक तरह के हेड हैं. तो मैंने कहा कि अच्छा चले ठीक है. और फिर यू नो उस्मान थे मेरे साथ. और व्हेन समथिंग गेट्स बिल्ड एज अ कॉमेडी, नो मैटर हाउ आपकी लाइनें जितनी भी मतलब इंटेंस हो, आपको लगता है कि नहीं ये तो कॉमेडिक वेन में होगा. लेकिन फिर जब हम सेट पे गए तो मुझे फिर बाकी सब कॉमेडी कर रहे होते थे. इवन अस्मा अब्बास जब वो कहती हैं कि यू नो नीवे नीवे ओके निकल जाओ चलो दफा हो, उसमें भी उनकी एक कॉमेडी हमेशा रहती है. इवन हमारी जो उस्मा बेग हैं, लेकिन जब गुल आती थी तो मुझे फिर दानिश भाई साइड पे एक्चुअली लेके गए. उन्होंने मुझे बिठाया और कहा कि आप नहीं कर सकती कॉमेडी, मुझे पता है आप चाहती हैं कि आप करें, लेकिन इतनी ये वो है, सख्त कैरेक्टर है और सारा कॉन्फ्लिक्ट गुल की तरफ से आता है. तो आई एम रियली सॉरी बट यू विल हैव टू जस्ट, आई एम द डायरेक्टर, यू विल हैव टू जस्ट फॉलो माय लीड. सो आई सेड कि ठीक है दानिश भाई, आई मीन इफ अगर ये है तो फिर तो मुझे नहीं एक्चुअली करने दिए. मुझे थोड़ा सा आई मीन आई आई फेल्ट while watching it I felt like hi idhar thodi si kar lete end mein thodi si karne dete but wo conflict sara wo gul leke aati hai. Acha mera mere liye sabse interesting baat ye thi, humne aapko chupke chupke se pehle dekha tha ye dil mera mein aur wo bilkul aapka ek opposite character tha, kirdar tha. And it's not like maine aapke wo sketches bhi dekhe hue digital platforms ke upar jisme aapne thode si us tarah ke offbeat characters kiye hue hain. Aisa nahi hai ki ye entirely it was you know uncharted territory for you. Yes. But ek drama serial mein jo ke bilkul ek ramzan jaise drama serial hai, comedy hai, usme ek aisa character take on karna jo aap apne alfaz mein bhi keh rahi hain toxic hai, tha bilkul tha. मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यू नो व्हेन समबडी लुक्स एट यू, इतना माशाल्लाह प्यारा चेहरा जो कि बिल्कुल भी शक्ल से होता है, यू नो सर्टेन पर्सनालिटीज यू एसोसिएट विद सर्टेन फेशियल फीचर्स के, यार कि नहीं यार ये शक्ल से, जैसे हम अक्सर समी खान के बारे में कहते हैं कि वो ऑफ कैमरा इतने अच्छे और इतने जो प्यारे इंसान है, बड़ा मुश्किल होता है उनको ऑन स्क्रीन देखना. तो आपके लिए इस किरदार को इस तरह से निभाना के, और बिलीव मी वो टॉक्सिसिटी जो थी वो नजर आ रही थी टुवर्ड्स द एंड. And as a viewer, I would get really annoyed and irritated by whatever Gul was up to, which only goes on to prove that you did a fantastic job because your character was meant to do that to the audience. Yeah. उसको feel कराए यार कि ये कितना ये कर रही है और ये वो तो थोड़ा zitch कर रही है यार ये क्यों कर रही है ये बंदी. तो how big of a challenge was it for you to portray that kind of a character in a full-fledged like drama serial? It's a really good question and I'm really glad you asked it. So hota ye tha ki jab main set par aayi pehle 2 din, sir, and it's funny because jab main chupke chupke dekh rahi thi, I could tell ki ye pehle 2 din ki shooting hai because meri acting different thi. To main is tarah ye pitch is pitch pe bol rahi thi jis tarah main aapke sath bol rahi hu, thodi shayad isse bhi thoda soft, jaisa normal log baat nahi karte ki beta pani ka glass lana. Is pitch pe Danish bhai ne mujhe kaha ki ye to aapki jo softness hai isko tode, ye to bilkul nahi chalega. I said kya matlab, he said utha ke bole. पहली जो उन्होंने मुझे दी, उन्होंने कहा उठा के बोले. ऐसे क्या मतलब उठा के, ऐसे ऐसे बात करें, ए कहां जा रहे हो, इस पिच पे रखें. इवन अगर आप बहुत कोई नॉर्मल बात कर रही हैं, मैंने कहा सर ये थोड़ा क्रैश थी. ही सेड क्रैश है ये क्रैश. तो फिर वो सारा आई टू यू नो देयर वाज अ आई हैड टू ब्रेक डाउन द कैरेक्टर आफ्टर द फर्स्ट 2 डेज. ही टुक मी टू द साइड, ही सेड नहीं ये क्रैश है आप. वो मुझे कहते थे सेट पे, सर आप इतनी क्लासी हैं आपको समझ नहीं आता है. सर क्लासी की बात नहीं है, मतलब नॉर्मल भी बंदा बोल सकता है कि नहीं उठा के बोले और हाथ चलाएं. अच्छा जिस तरह औरतें हाथ नहीं चलाती, हाथ चलाएं. फिर मैंने कहा कि अच्छा, फिर वो कट करते थे कि नहीं आपके हाथ नहीं चल रहे, आप हाथ बांध के क्यों बात कर रही हैं. सो वी क्रिएटेड गुल, यू नो, एंड सो इट वाज क्वाइट अ चैलेंज आई वुड से, बिकॉज आई वुड आल्सो फील लाइक माय गॉड मैं क्या कर रही हूँ. बट देन यू नो आई हैड टू ओन इट. आई मीन दिस इज द थिंग विद पीपल, लोग प्रोजेक्ट करते हैं अपने डिजायर्स एक्टर्स के ऊपर. मुझे इतनी अब्यूज भी आई हसन, मैं आपको बताऊं कि जब आप स्क्रीन पे आती है मुझे कोफ्त होती है, आपको देख के नफरत होने लगती है जब गुल स्क्रीन पे आती है. एंड मैं फिर दानिश भाई को बाकी मिस्कीन के लिए प्यार, ऑब्वियसली मिस्कीन वाज सच अ लवली कैरेक्टर, यू नो इवन ये बख्तो हमारी जो थी सब इतने प्यारे थे. तो वो थोड़ा सा हुआ कि ठीक है गुल ही है जो गुल खिला रही है एक्चुअली. तो ये बड़ी एक डबल एज सोर्ड मेरे ख्याल में तो है कि अब जो फीडबैक आपको आ रहा होगा, जैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग यही कह रहे होंगे कि यार नहीं आप तो इतना अनोइंग है, और जो कि एक्चुअली एक
सबूत है आपकी अच्छी परफॉर्मेंस का, पर दूसरी तरफ जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं शायद उनको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और उनको वो जो एक एडमिरेशन और अप्रिसिएशन उनकी तरफ आ रही है, वो एक अलग नेचर की आ रही है. तो आप कैसे गेज करती हैं इस रिएक्शन को? आर यू हैप्पी विद द रिएक्शन दैट यू गेटिंग? This is the nature of acting, you know. मैं वही कह रही थी, आप an actor is a blank canvas and you project. अगर वो जिस तरह heroines जो हम मज़ीद innocent roles करती चली जाती हैं, फिर लोग वो innocence उनकी किरदार, उनके real life किरदार पे project करने लगते हैं कि नहीं है ये इतनी innocent है, इतनी sweet है. Every now and I did Dil Banjara 3 years ago, 4 years ago, 3 years ago, and you know I was on a wheelchair. And my character was on a wheelchair. वो बहुत soft spoken थी और unrequited love वाली कहानी थी. और हसन मुझे इतना वो आता था, इतनी sympathy messages आता था. आप इतनी प्यारी लग रही थी, आप जब रोती हैं तो हम भी रोते हैं. तो वो हमेशा एक एक्टर के साथ होता है. और आई थिंक के मेरे साथ, क्योंकि मैंने काफी strong female characters किए हैं, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मैंने ये दिल मेरा में, यू नो, वो डोमेस्टिक अब्यूज, शी इज द ओनली वन हु स्टैंड्स अप टू द डोमेस्टिक अब्यूज. तो वो बहुत अच्छा था कि आप, क्या नाम था उनका सजल के जो वालिद थे, मीर फारूक. अब इधर गुल का तो होता है, ऑब्वियसली मुझे भी होता था कि यू नो, अब मुझे, आई एम नॉट गुल, बट कि आप क्या, आप यू नो, तो होता है. मेरे दिमाग में ऐसे एक सवाल आया, इन हाइंडसाइड अगर हम पीछे चले जाएं और आपको दोबारा गुल ऑफर हो, आप दोबारा गुल करना चाहेंगी या आप उस वक्त बोलेंगी नहीं यार मुझे या कोई और कैरेक्टर दो, या I'd rather not play गुल than play गुल? Because I'm a writer, I would say कि मुझे थोड़ी राइटर से बात करने दें और कहें कि इतना जो उसके डायलॉग्स इतने जो ब्लैक या व्हाइट है, उनको थोड़ा शेड्स ऑफ ग्रे लाने दें, और फिर प्रोडक्शन हाउस से बात करें कि गुल को भी थोड़ा कॉमेडिक करने दें. यू नो, लाइक आई थिंक टॉक्सिक लोग होते हैं जिंदगी में, उनको प्ले करना भी जरूरी है. अब ये नहीं है कि आप evil characters या villains को play ही ना करें, but there's a way of doing it, I think, and there's a way of writing them also. Meera, what's your assessment of Gul? क्योंकि मैं जब देख रहा था drama, मेरी दानिश भाई से भी बात हुई, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा, मैंने बोला यार कि ये समझ में आता है कि एक बहन है जो बहुत possessive है अपने भाई के बारे में, और दानिश भाई ने भी यही बोला कि आपको पता है कि बहनें होती हैं जो बहुत possessive होती हैं अपने भाइयों के बारे में और बड़ी हद तक होती हैं. मुझे ये बात समझ में आती है, बट फिर इस बहन का उस एक्सटेंट पे जाना जहां पे ये कह देना कि अच्छा शादी हो गई, क्या हुआ, तलाक दे दो फौरन ही, यार तलाक दे दो, फारिग करो, घर से निकालो. एपिसोड से पहले कह रही है कि औरत से इस तरह बात नहीं करनी, यू नो, याद है आपको जब वो पकड़ लिए मीनू, बिल्कुल बिल्कुल, ओबी ने ट्वीट भी किया आपके लिए कि ये तो बड़ा स्टैंड लिया है गुलापा ने, और बड़ा हमने भी बड़ा अप्रिशिएट किया यार, बड़ा जबरदस्त दिखाया है कि अपनी जगह लड़ाइयां फसाद अपनी जगह, बट औरत के लिए स्टैंड लिया. बट देन शी सेज कि नहीं तलाक दो फौरन अभी दो. आई थिंक गुल की बैक स्टोरी बस यही हमने बनाई थी कि शी इज अनहैप्पी, यू नो, शी इज अनहैप्पी, शी इज एन अनहैप्पी पर्सन जो फिर दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और वो अपने मैके आकर बैठ गई है, और यू नो एक्चुअली एट सम लेवल आई थिंक वो केयर भी करती है, बिकॉज वो कहती है कि जब अम्मी अबू उनके हज पे गए, फिर गुल ही रह गई थी टू टेक केयर ऑफ द सिबलिंग्स. तो देयर इज दिस काइंड ऑफ कि आई हैव टू मेंटेन एवरीथिंग. तो वो जो एक उस मेनिया में वो थोड़ी पागल भी हो जाती है बेसिकली, एंड नोबडी एल्स स्टैंड्स अप टू हर, यू नो. फाज़ इन हिज स्वीटनेस आल्सो सेज कि नहीं आपा, मैंने, वो कहता भी है, मैंने हमेशा आपकी एक मिनट बड़े होने की सीनियोरिटी की कदर की है, वो कहता भी है. बट ये है कि शी इज एन अनहैप्पी कैरेक्टर, और वो शी हैज द रन ऑफ द हाउस, तो वो करती है, वो राज करती है. व्हाई डू यू थिंक शी वाज अनहैप्पी? एक मियां उससे इतना प्यार, सरकार सरकार कहता है, मतलब उस पे डुल रहा है जैसे हम कहते हैं पंजाबी में. I mean, you'll have to ask Saima ji that. I think अब इतनी क्योंकि उनका लिखा हुआ character, अब मैं उसकी back story अपनी, I don't know. I mean to say कि वो बेऔलाद थी, अब वो क्योंकि वो script में इतना नहीं कहती ना, बार बार तो नहीं कहती कि एक दो, मतलब I think maybe in a few instances she talks about how उसका बच्चा नहीं हुआ, वो थोड़ी फिर soft हो जाती है, आपने note किया होगा. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ तो So to sum it up, how was your experience of Chupke Chupke now that it has ended? Everybody's seen the final. Yeah, Hasan, I loved being on set. You know, बहुत मजा आता था. दानिश भाई ने जिस तरह मुझे कहा था कि उठा के रखिए, उन्होंने हम सबको उठा के रखा हुआ था. हम सबको उन्होंने उठा के रखा हुआ था. And I think he has a real gift for comedy. उज्मा जी ने इतनी improvisations की, मैं आपको बताऊँ सेट पे, मतलब वो जो स्टैचू खेल रहा है तू, वो सब, और ये क्वीन विक्टोरिया की नवासियाँ, वो सारी उज्मा जी की इम्प्रोवाइजेशंस थी. और फिर उस वक्त दानिश भाई कहते थे कि ये जरा ज्यादा नहीं हो रहा, फिर कहते थे चलो कर ले,
तो उनका कमाल है कि उन्होंने हम सबको वो लेके चले, और सेट पे ओबी के साथ, आयजा के साथ, अली के साथ, बिकॉज हमारे इतने ज्यादा सीन्स थे उज़मा जी के साथ, बहुत मुझे मजा आया एंड आई रियली एंजॉयड इट एंड आई एम होपिंग कि अब जरा थोड़ी शायद कोई बेहतर स्क्रिप्ट गुल के कैरेक्टर के हवाले से मेरी किस्मत में हो आगे. सीक्वल की बहुत आवाजें चल रही है, और हालांकि मेरी जब बात हुई थी दानिश भाई से तो उन्होंने बोला कि देयर इज नथिंग ऑन द कार्ड्स येट, बट ऐसा नहीं है कि ये भी डिस्कशन हुई कि बिल्कुल नहीं करना. तो अगर सीक्वल आता है आप करना चाहेंगी? आई थिंक मैं थोड़ा सा महेश से कहूंगी कि गुल को थोड़ा सा इतना ब्लैक और व्हाइट ना करें. अगर तो ऑफर हुआ और अगर हुआ, यकीनन अगर हुआ तो आई वुड लव टू गिव माय इनपुट वीज़ेवी हर कैरेक्टर, बट लेट्स सी. बात चल रही है, आई थिंक कर रहे हैं कुछ लोग बात, पर आई थिंक कोई कुछ भी बात कंफर्म नहीं हुई. बट असाइड फ्रॉम चुपके चुपके, मीरा यू स्टार्टेड योर करियर इन 2013 विद सिल्वरटेन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. मुझे एक इतनी स्ट्राइकिंग बात लगी है, जैसे जैसे मैंने चुपके चुपके की कास्ट मेंबर से बात की है. पहले मैंने एमन का इंटरव्यू किया, वो ऑफ कोर्स यूपेन से पढ़ के आई हैं. उज़मा जी से मेरी बात हुई और वो LSE में उनको दाखला मिला हुआ था स्कॉलरशिप के साथ. आपकी बैकग्राउंड के बारे में ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज, आई एम डॉटर ऑफ नजम सेठी एंड जुगनू मोहसिन, एंड फिर ऑफ कोर्स आपका यू स्टडीड इन द US, यू वर्कड एट द वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसके आप बुक्स एडिटर थी वहां पे, यू नो एक करियर इंटरनेशनल रेप्यूटेबल पब्लिकेशन के साथ छोड़ के आके पाकिस्तान में अदाकारी के शोबे में अपना हाथ आजमाना. यू नो ऑल ऑफ यू वुमेन, आई मीन इट्स सच इनक्रेडिबल इंस्पिरेशन फॉर यू नो सो मच, सो मेनी यंग पीपल आउट देयर, मेन एंड वुमेन, कि यार के एक इतना जबरदस्त करियर होने के बावजूद फॉलोइंग योर पैशन, ये जो आपके अंदर और आपकी कास्ट भी, इट्स जस्ट सो, इट्स कोइंसिडेंटल मेरे ख्याल में कि मेरी मुलाकात अभी रिसेंटली उन दोनों से भी हुई और अब आपसे भी हो रही है, कि मुझे सिमिलैरिटी नजर में आ रही है. बट ये जो आपके अंदर ये पैशन है टुवर्ड्स एक्टिंग, ये कहाँ से आया, इसकी क्या वजह है? हसन, आप मुझे, मैंने आपका एमन का भी इंटरव्यू देखा, और एक चीज आई थिंक जो कहनी जरूरी है वो ये है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज प्रेस्टिजियस, लाइक यस वर्किंग फॉर द वॉल स्ट्रीट जर्नल वाज वेरी प्रेस्टिजियस, डजंट मीन दैट इट फुलफिल्स यू, यू नो. सो फुलफिलमेंट की बात होती है, इट वाजंट, आई वाज हैप्पी आई डिड इट, बट आई थिंक बीइंग इन पाकिस्तान परफॉर्मिंग, मैं आपको भी बताऊंगी, मैं अब एक स्क्रिप्ट लिखवा भी रही हूँ, यू नो, बिकॉज़ आई एम एट दैट एज एंड स्टेज वेयर मुझे लगता है कि अब मैं कॉन्टेंट क्रिएशन में भी मुझे आना चाहिए. तो इट्स अबाउट फुलफिलमेंट, और आई थिंक एक्टिंग मुझे बहुत फुलफिल करती है, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे लोग कहते हैं आप राइटिंग करें, अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छी राइटर हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ लोगों को, बट जो चीज़ मुझे जॉय देती है, जो मुझे खुश करती है, वो दोनों हैं, एक्टिंग और राइटिंग, बेसिकली स्टोरी टेलिंग. आई थिंक आई एम अ स्टोरी टेलर. तो आई थिंक एमन के साथ भी, अगर आप उसे, आई थिंक उसने कहा भी कि मुझे, खैर उसका तो पहला प्रोजेक्ट है, तो आई थिंक शी इज हैविंग टू फॉर्मुलेट हर ओन Response, but look at Uzma ji, she's a phenomenal actor, you know. और उनकी अम्मी मुझे, उन्होंने बताया था पहले कि उनको इजाजत नहीं मिलती थी ये चीजें करने की. तो जो चीज आपके अंदर वो हो, वो आपके अंदर एक हो कि यानी मैंने करना है, तो फिर आप करके ही रहते हैं. और नो, वो नहीं इतना इंपॉर्टेंट होता कि कौन सी प्रेस्टिजियस जॉब आप छोड़ के आए हैं, यू नो. सो आपसे सवाल इसलिए भी ये पूछा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि क्या आपको हमेशा से ये इंटरेस्ट था, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मेरा असल इंटरेस्ट, जैसे आप कह रही हैं, स्टोरी टेलिंग की तरफ है, तो परहैप्स द विजुअल मीडियम इज मोर सूटेड फॉर मी? नो, बिकॉज़ आई एम अ राइटर एज वेल, एंड आई हैव जस्ट स्पेंट 6 इयर्स राइटिंग दिस बुक. आई रियली वैल्यू द रिटन वर्ड एंड आई रियली रिस्पेक्ट इट. But I think हमारे, मतलब मैं नकलें भी उतारती हूँ, मैं, I'm actually pretty not a bad mimic. तो ये जो मेरे अंदर था बचपन से था, I wanted to have an avenue and an outlet for it. थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि लड़कियों के लिए, और जिनको female leads हम कहते हैं, हमारी काफ़ी इतना थोड़ा महदूद हो गया अब जिस किस्म की scripts हमें offer होती हैं. या तो आप villain का role करते हैं, या आप वो, you know, your, वो मजलूम किरदार करते हैं. तो आई थिंक इसको बढ़ाना और इसमें आके थोड़ा ज्यादा वैरायटी देना बहुत जरूरी है हीरोइंस के लिए, एंड दैट्स समथिंग दैट आई आल्सो वांट टू डू बिकॉज आई हैव अ वॉइस. बट या आई थिंक कि थोड़ा कंटेंट क्रिएशन में अगर लोग आए, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो अच्छा होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए.
आपको लगता था कि आपकी क्रिएटिविटी एज फार एज बीइंग एन एक्टर इज कंसर्न ट्रैप हो रही है, जिस वजह से अब आप खुद भी कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रही हैं? ऑफ कोर्स हमें भी पता है कि उस तरह का कंटेंट Yeah, I have to be honest with you. I think थोड़ी हद तक, because you know मुझे जो roles offer होते हैं, मैं कभी कभी, मुझे एक script offer हुई थी lead role की 2 साल पहले, जिसमें एक खातून है किसी को falsely accuse करती है rape के लिए, और as it is हमारे मुल्क में हसन rape testimonies औरतों की लोग believe नहीं करते, तो मुझे लगा कि अब मैं किसी, अगर ये किरदार किसी को फॉल्सली अक्यूज कर रही है और फिर यही विलन बन जाती है एंड में, तो वो क्या मैसेज होगा, यू नो? एंड आई वाज, यू नो, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी, बिकॉज़ आई वाज लाइक, ओह, इट्स अ रियली गुड स्क्रिप्ट, शी इज द लीड, बट आई डिडंट डू इट, एंड देन फॉर अ ईयर आई डिडंट डू एनी वर्क. तो ये चॉइसेस होती हैं आपकी. और इवन गुल के साथ, यू नो, आई वाज लाइक, चलो अब ठीक है, शी इज नॉट एन अमेजिंग कैरेक्टर, बट काम है, और वर्क बिगेट्स वर्क, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल्सो. तो आपका क्या सवाल था? हाँ, तो आई थिंक कि थोड़ा महदूद है, एंड आई थिंक इसको बदलना चाहिए. आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, जिस स्क्रिप्ट के बारे में आप बात कर रही हैं, एक्चुअली आई डोंट नो इफ यू वांट टू गो देयर और नॉट, बट एक आई डोंट नेसेसरली वांट टू गो देयर बिकॉज़ आई डिडंट डू दैट प्रोजेक्ट. सो बट आर यू रेफरिंग टू डंक? नो. ओके, सो देयर वाज अनदर प्रोजेक्ट विद विद अ सिमिलर That's very interesting. But Meera, as a writer as well as an actor, you think these stories are these stories can be told, or is it okay if these stories are being told, even if you're not part of these stories? I mean, as a viewer, how do you look at that dynamic? Because there was an entire conversation surrounding Dunk as well at the beginning. मैंने नहीं देखा वो drama serial. I haven't followed that at all. बट देखें, बड़ा ट्रिकी होता है ना कि आर्ट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है. अब सवाल ये भी है, आप ड्रामा सीरियल्स को आर्ट समझते हैं? आई थिंक प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वो हर वक्त ये कहते हैं कि, इनफैक्ट आपने जिन कुछ लोगों को इंटरव्यू भी किया है, उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आकर कहा आपके शो पे कि देखिए, ऑडियंस देखना चाहती है और ये हकीकत है, और अगर आप हकीकत को नहीं दिखाएंगे तो दैट्स ऑल्सो, आप पर्दा डाल रहे हैं इन चीज़ों पर. ठीक है, आप हकीकत दिखाएं, लेकिन जब आपके पास पावर हो और जब आप एक मैसेज अच्छा कोई दे सकें, तो आई थिंक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एज ए प्रोड्यूसर आपके ऊपर होती है कि आप नैरेटिव को बदलने की कोशिश करें. यू नो, इस तरह से आई थिंक जो जब फीमेल लेड प्रोडक्शन हाउसेज है वो कोशिश करते हैं. और हम टीवी, फॉर एग्जाम्पल, हसन आपको पता भी शायद होगा इस बात का कि वो फिजिकल वायलेंस, जिस तरह थप्पड़ मार रहे हैं, वो दिखाते नहीं है. बिकॉज अल्टीमेटली जो भी आप कह लें, जितना आप दिखाएंगे उतना आप नॉर्मलाइज करेंगे इस चीज को. दैट इज द हार्ट ऑफ इट, राइट? द मोर यू शो समथिंग बीइंग डन, द मोर यू नॉर्मलाइज इट. एंड आई थिंक के जो लोग इस बात को, द पीपल हु आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस, आई एडमायर देम, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू चेंज द नैरेटिव. एंड आई थिंक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आपके ऊपर होती है कि आप करें. लेकिन एक्टर्स के लिए, असल मैं देखो, कह तो रही हूँ ये सब, लेकिन फिर काम नहीं मिलता. यू नो, ये भी लोग बात करते हैं कि जो स्क्रिप्ट आती हैं, फिर आप कहते हैं कि फिर मैं 6-5 साल काम ही ना करूं. तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते हैं कि देखो, तुम आओ कंटेंट खुद क्रिएट करो. तो मैं कहती हूँ कि उर्दू में मेरी रवानी नहीं है. तो कहते हैं कि स्क्रिप्ट लिखवाओ फिर, अगर रवानी नहीं है तो गेट स्टफ रिटन एंड बी द पर्सन बिहाइंड द सीन्स, एंड फिर एक्ट भी करो. तो आई थिंक इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये करें हम. आप कुछ बताना चाहेंगी उस कंटेंट के बारे में जो आप क्रिएट कर रही हैं या करने वाली हैं? Well, अभी it's a long, अभी तो बिल्कुल बात शुरू हुई है, बट आपने शायद मेरी मुरू के साथ स्क्रिप्ट्स स्किट्स देखी होंगी, जिसमें वो अमानुल्लाह बनती होंगी. तो मैं कॉमेडी से ही आगाज करना चाहूंगी. तो कोशिश कर रही हूँ कि जुबैदा की जिंदगी पर कुछ बनवाऊं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर इट ऑल्सो. पीपल अप्रिशिएट दैट कैरेक्टर, यू नो, इट्स अ पंजाबी कैरेक्टर ऑफ माइन. आई क्रिएटेड हर. She's my alter ego in many ways. Those people who know me know that I'm actually very Punjabi and Desi deep down inside. Deep down, kya? That's who I also who I am. So I'm talking to some people, some writers, try to figure out who would be the best person to write this script. और आपका इरादा वेब की तरफ इसको ले जाने का है या टीवी पे हम देखें? ख्वाहिश तो होगी कि वेब पर ना हो, बिकॉज जो आपको अभी भी टीवी पर जो आईबॉल्स मिल रहे हैं वो वेब से कहीं ज्यादा हैं, स्पेशली विद एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउसेस. तो कोशिश होगी कि ये ड्रामा सीरियल बन जाए. अब देखते हैं इसमें पोटेंशियल है या नहीं है. We'll find out in a few months. इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि हमें टीवी पे देखने के लिए मिले.
मीरा, आपने चैलेंजेस की बात की कि जैसे अगर आप टर्न डाउन कर देते हैं स्क्रिप्ट जो आपको पसंद नहीं आ रहा या जो आपकी सेंसिबिलिटीज को अपील नहीं कर रहा, एक या दो स्क्रिप्ट टर्न डाउन करने के बाद तीसरे की शायद कॉल भी नहीं आती आपका, तो एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप अमेरिका में हैं, 12 घंटे का तो सीधा सीधा टाइम डिफरेंस है. हाउ डिफिकल्ट डू यू फाइंड दिस डायनामिक टू बी वर्किंग इन योर फेवर और अगेंस्ट यू इन इन व्हाट वे? आप ये यहाँ पे जी 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 आई हैव बीन इन अमेरिका फॉर द लास्ट अभी भी मैं मुझे इधर 3 महीने हुए हैं, उससे पहले मैं 6 महीने कराची में थी एक्चुअली. तो स्ट्रेन तो एक्चुअली मतलब इधर मेरी रिलेशनशिप पे था बिकॉज हम लोग अब अलग हो जाते हैं जी. तो मैं काम के लिए हमेशा जाती हूँ जब मुझे कुछ काम अच्छा ऑफर होता है. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, लाइक इट्स अर्मीना भी मैनचेस्टर से आती है तो वो भी इसी सिचुएशन में है, बट वो काम के लिए हमेशा आती है बिकॉज यू नो इफ यू लव समथिंग देन यू विल मेक सैक्रिफाइसेस टू डू इट. But yeah, I mean, it's not a sustainable model over the long term. Like if agar main idhar bas jaun hamesha ke liye, to obviously phir ye model sustainable nahi hoga. But abhi ke liye main aa ja rahi hu, to ho raha hai, but with difficulty. But yeah. आपने बड़े डिटेल में इसके ऊपर बात की अपने वो पीस में अभी जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था. तो मुझे पढ़ते हुए भी वो एहसास हुआ कि there is this, you know, I wouldn't say sense of frustration, but it's like, you know, there's something that's bothering you about this whole dynamic. Ki yaar ki main yahan hu ya main wahan hu ya main kahan hu, or and you're trying to figure out ki yaar ki ab long term solution nikalna kya hai. Am I right? Koi aap soch rahi hai in lines mein? नहीं, मैंने बहुत बहुत खुल के लिखा था और ये एक्चुअली मैंने मतलब बिलाल की, मेरे जो हस्बैंड है उनकी जिंदगी के बारे में भी लिखा. सो it was a very, I think it was quite a raw piece that I wrote. But yahi hota hai na, phir jab unki job idhar hai, main to freelance artist hu, main matlab writer hu aur phir main matlab saal mein ek project karti hu zyada se zyada, to wahi hota hai. Phir ammi abbu kehte hain jao, you have to go and be with your partner. So yeah, this is, we're trying to figure out kya aage kahan jayenge aur kya karenge. This is very much an ongoing conversation. तो काश कि मेरे पास जवाब होते हसन आफ के लिए. इंशाल्लाह जब आप अगला पीस लिखेंगी तो हम पढ़ लेंगे, अगर अभी नहीं है तो कभी ना कभी हमें उसका अंदाजा हो जाएगा. मीरा, मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान में जब आप कंटेंट देखती हैं बनता हुआ, एंड ऑफकोर्स आपने ये बात की कि आप खुद भी क्रिएट करना चाह रही हैं, आप कैसे देखती हैं कि पाकिस्तानी कंटेंट को जो लैंडस्केप है वो क्या आपको तब्दील होता नजर आ रहा है, या आने वाले सालों में आपको लगता है कि जिस तरह के ड्रामे हम देख रहे हैं बस ऐसे बनते रहेंगे? मुझे लगता है हसन, वेब पे बहुत इंटरेस्टिंग नीश कंटेंट बनना शुरू हो गया है. अभी माहिरा भी प्रोडक्शन में आ गई है, माहिरा खान जो है उन्होंने अभी एक वेब सीरीज बनाई है जिसमें मैं भी हूँ. और मुझे लगता है क्योंकि वेब पे वो सेंसरशिप नहीं है, वेब पे शायद वो अवामी ऑडियंस जिसका हवाला हमेशा प्रोड्यूसर्स देते हैं वो हटके है, वो जरा यंग ऑडियंस है, अर्बन ऑडियंस है वेब पे. तो आई थिंक देयर इज इंटरेस्टिंग स्टफ बीइंग मेड ऑन द वेब, नीश काइंड ऑफ स्टफ. टीवी पर अभी भी आई थिंक इतना मुझे कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा. आई थिंक कोशिश है, बट अभी वो लैंडस्केप नहीं चेंज हुई. तो अभी भी औरतें आपको रोती हुई नजर आएंगी टीवी पर, तशद्दुद होता हुआ नजर आएगा. एक तरफ प्रोड्यूसर्स कहेंगे कि ये आपकी रियलिटी है, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं हम कुछ कहते हैं कि रियलिटी है बट आप थोड़ी प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट्स भी लिखवाएं. सो इट्स वेरी मच अ मॉडल ऑन टीवी राइट नाउ आई थिंक. आपने जी जी प्लीज गो ऑन. बिल्कुल, आपने एक एग्जांपल अभी दी कि एक सर्टन प्लॉट था जो आपकी आपको नहीं पसंद आया, आपको लगा कि आप उस किरदार को नहीं निभाना चाहती. But are there other things as well in the plot, जैसे जो हम अक्सर जैसे हम टीवी की बात करें, मीर फारूक ने हाथ उठाया अपनी बीवी के ऊपर, बट चलो उसका एक कॉन्टेक्स्ट था और एक स्टोरी का बड़ा इंटेग्रल पार्ट था. बट अदरवाइज जब आपको स्क्रिप्ट ऑफर होते हैं, आप क्या इन मुद्दों के ऊपर स्टैंड लेती हैं कि अगर थप्पड़ पड़ रहा है तो अगर वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो क्यों है, क्या इस तरह के चेंजेस की आप बात करती हैं? बिल्कुल. और जब ये दिल मेरा में मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी तो इट वाज यू नो आई हैड ओनली हसन अबाउट 2 वीक्स ऑफ शूटिंग, बहुत सपोर्टिंग छोटा रोल था. बट बिकॉज वो स्टैंड लेती है, यू नो बिकॉज वो इतना पावरफुल था कि वो नीलोफर स्टैंड लेती है, आई सेड कि ये बहुत जरूरी है मेरे लिए भी एज एन एक्टर एंड एज समबडी हु बिलीव्स इन दिस टू जस्ट डू दिस, यू नो. क्योंकि वो इतनी माशाल्लाह बड़ी कास्ट थी, बट मैंने कहा कि नहीं, इवन अगर ये छोटा रोल है तो ये करो. तो ये डिसीजन आप हर वक्त ले रहे होते हैं. और देखें, मैं स्टैंड लू भी, डायरेक्टर के साथ स्टैंड लू या प्रोडक्शन हाउस को फोन करूं,
I don't have that much power ultimately, you know, I really don't. I mean, if production house ne decide kar liya and they're putting their money in it, they will do what they want to do ultimately. And I think this is why then jo frustration hoti hai actors ki Usman ke saath set pe baith ke bahut baatein hoti hai ki Usman tum aur main kuch karte hain, wo bhi mujhe kehte hain ki mere paas ek movie taiyar hai, tum aur main banate hain. But wohi hai, you know, you need a lot of money, you need the wherewithal jo ye production houses saalon se laga rahe hain, inka to pura infrastructure hai. तो हम लोग तो बस एक्टर्स हैं, हम आते हैं, हम काम करके चले जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ना करें. यू नो, इवन इन दैट सीन जब फाज धक्का देता है मीनू को, उस्मान के लिए इतना मुश्किल था. वो उसने मेरे सामने दानिश भाई को कहा कि ये सर, ये इतना ज्यादा जोर की धक्का नहीं मैं देना चाहता. उन्होंने कहा नहीं भाई, अब चलो, है जो है वो स्क्रिप्ट में है, वो करना पड़ेगा आपको. तो उसके लिए भी था कश्मकश में उस्मान था. ही वाज लाइक सर, इतना मैं आई डोंट फील कंफर्टेबल. तो हम हमेशा ग्रैपल कर रहे होते हैं इन चीजों के साथ. लोगों को शायद नजर नहीं आता, बट देयर इज अ लॉट दैट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स. अदाकारों के लिए वाकई में बहुत मुश्किलात होती होंगी अक्सर औकात. कुछ के लिए शायद ना भी होती हों, बट कुछ जिनको इस बात का एहसास है कि ऑडियंस के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो सकता है उनके निभाए हुए किरदारों के एक्शंस का. मेरा अगला सवाल आपसे यही है. मेरी कुछ अदाकारों से बात हुई इस मौजू के ऊपर, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि नहीं यार, एक किरदार को जब आप स्क्रीन पे देखते हैं उसका ऐसा कोई ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हो जाता कि एक इंसान अपनी जिंदगी के फैसले उस किरदार के देखे हुए एक्शंस की वजह से लेना शुरू कर दे. आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आपको लगता है कि जो डेली डे टू डे हम जो सर्टेन नॉर्मलाइज कराना डोमेस्टिक अब्यूज को, वो तो ऑफकोर्स एक बिल्कुल एक सीरियस बात है, और इस तरह की और भी दूसरी चीजों को, बट एक किरदार के एक्शंस आपको क्या लगता है कि किस हद तक ऑडियंस को असरअंदाज कर सकते हैं? आई थिंक हसन, लोग मुतासिर भी होते हैं. मतलब अब गुलापा की मैंने डरते डरते एक तो तस्वीरें लगाई अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसके नीचे कुछ लोगों ने लिखा कि यू नो आई हैव अ गुलापा इन माई लाइफ, आई नो गुलापा. और उस्मान ने भी कहा कि यू टुक द विलनी अप अ नॉच, एंड आई सेड कि हाय, यू नो आई फेल्ट सो टेरिबल डूइंग इट. एंड ही सेड कि नहीं, माई सिस्टर मैसेज मी एंड सेड कि यू नो शी नोज समवन एग्जैक्टली लाइक गुलापा. तो मैं ये फिर दोहराऊंगी एक बार फिर कि ये ऑडियंस के ऊपर होता है. मुझे बहुत लगता है, जब मैं ब्रेकिंग बैड एक अमेरिकन शो है, जब मैं वो देख रही थी, तो उसकी जो बीवी वॉल्टर वाइट की बीवी का जो किरदार था, मुझे उन पर भी गुस्सा आता था अक्सर. और वो जो एक्ट्रेस है, उन्होंने एक ऑपेड लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में, कहा कि मुझे घर पे हेट मेल आ रही है. मुझे एज एन एक्ट्रेस घर पे आई वेक अप एवरी डे टू लाइक यू नो हेट मेल. तो ये लोग बहुत प्रोजेक्ट कर जाते हैं एक्टर्स के ऊपर. एंड आई थिंक शाहरुख खान जब वो हीरो बनते हैं तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब उन्होंने किया एज अ चाइल्ड, आई प्रोजेक्टेड ऑल माय डिजायर्स ऑनटू शाहरुख एंड काजोल. सो वी डू दैट, आई आल्सो डू इट. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, व्हिच इज व्हाई जो लोग मुसलसल फिर हीरो का रोल करते चले आते हैं, फिर वो रियल लाइफ में भी हीरोज बन जाते हैं. बट ऑफकोर्स देन दे हैव टू कैरी द वेट ऑफ दैट एज वेल. सो आई थिंक ये चीजें, हर चीज ये डबल एज सॉर्ड होती है, बट आई थिंक ये ऑडियंस के ऊपर होता है कितना आप प्रोजेक्ट करें एक्टर्स के ऊपर. बिल्कुल सही बात है. मुझे जाती तौर पर तो ऐसा लगता है कि बहुत इम्पैक्ट होता है. मैं आपको कथा कलामी माफ हसन, आप माहिरा के इंटरव्यूज में, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, वो हमेशा कहती है कि लोग उनको घेर लेते थे कि आप रियल लाइफ में भी खिरद जैसी है. उनको इतना लोगों ने कहा कि आप खिरद है. एंड आई थिंक शी लाइक्ड इट, बट आई थिंक इट सम पार्ट ऑफ हर वाज आल्सो लाइक नहीं, अब वो कहती है कि नहीं मैं खिरद नहीं हूँ, आप खिरद को अप्रिशिएट करें, लेकिन मैं खिरद नहीं हूँ. So she's had to also take a step back and, you know, disentangle that. ये होता है। आप इस बात को ज्यादा enjoy करती हैं जब आपको कोई ऐसा किरदार निभाने को मिलता है जिसमें आप अपने आप को थोड़ा सा लैंड कर सकें, या आपको ज्यादा मजा तब आता है जब वो चैलेंजिंग किरदार इतना हो कि वो बिल्कुल आप जैसा ना हो? नहीं, आई थिंक मुझे, अगर तो मुझे कोई ह्यूमन राइट्स लॉयर का किरदार मिले तो आई वुड लव टू प्ले इट, क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक अ रोल लाइक दैट कुड एक्चुअली मेक अ डिफरेंस. You know, कि वो भाग रही है एक लड़की के, कोई लड़की का कोई केस हुआ है, वो सहाफी है या कोई लॉयर है, I would love to do that. But अपनी लाइफ में no, I don't want to play मीरा सेठी. मतलब मैं इधर बैठी हुई हूँ और मैंने कॉफी पी है, नहीं अपना मैं बिल्कुल नहीं. But writers can also be very interesting. Writers के ऊपर भी बड़ी फिल्में बनी है और बड़े ड्रामे बने हैं और बड़े. I would love to play like a complicated writer, like I would love to play a really complicated writer, जो अजीब सी खातून है, वो I would love to do. Yeah. जो कि आप असल जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है. मैं बहुत अजीब हूँ, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग शायद, मतलब आई डोंट नो अगर मेरे ऊपर बन रहा है, आई कांट थिंक कि मेरे ऊपर कुछ बन सकता है, लेकिन
But you're a fantastic writer, Meera. मैं क्या ये तो सभी कहते हैं जिन लोगों ने आपका काम पढ़ा. अभी आपकी एक और किताब आपकी लॉन्च हुई अभी दो तीन हफ्ते पहले गालिबन. Are you enjoying a collection of short stories? Yes. This is my baby. माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको. Thank you. मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची किताब तो मैंने नहीं पढ़ी लेकिन कैसा इसके ऊपर कैसा फीडबैक आ रहा आपको? बहुत अच्छा हसन थैंक यू. मैं आपको अभी पाकिस्तान में रिलीज हो जाएगी अभी एक दो हफ्तों में आई थिंक आ जाएगी. मैं खरीद लूंगा इंशाल्लाह. जी आप ले लीजिएगा. अमेजिंग आई मीन यू नो ये मेरे साथ पांच साल छह साल मैं अकेली लिखती रही हूँ अपने कंप्यूटर पे जो जिसके सामने मैं अभी बैठी हूँ. एंड यू नो यू राइट इन द डार्क एंड यू थिंक कि पता नहीं क्या है पता नहीं लोगों को पसंद भी आएगा या नहीं. एंड देन इट्स आउट इन द वर्ल्ड एंड इट्स बीन अमेजिंग. अभी तो मैं काफी अमेरिकन लोगों से बातें कर रही हूँ बिकॉज मेरा बुक टूर सारा अमरीका में हो रहा है. बट इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अब आई एम गोइंग टू टॉक टू अ फ्यू पीपल. जैसे जैसे लोग पढ़ते जाएंगे किताब आई टॉक टू पीपल अबाउट इट. इट्स बीन अमेजिंग. आई फील वेरी लकी. एंड यू नो जो यंग पाकिस्तानीज हैं जिनके बारे में मैंने लिखा है इस किताब में वो जब पढ़ रहे हैं क्योंकि काफी लोग इधर भी रहते हैं अमरीका में जहाँ लॉन्च हुई है तो वो मुझे कह रहे हैं कि यू नो यू रियली रिटन विद अ लॉट ऑफ You've written our truth. So for me, that is the biggest compliment, you know, ki maine pander nahi kiya. That to me has been really, it's been nice to hear. Aap apni shakhsiyat ke kis aspect se zyada relate karti hain, writer ya actor? Writing to khair aapke khoon mein bhi hai. Ye sawal sab poochte hain. Rachi basi bhi hai. I think, kyunki main, jab se mujhe yaad hai, jab main 16 saal ki thi, to hamari teacher kehti thi, Meera, stand up. क्लास में अपना ऐसे अलाउड पढ़ो तो मुझे वो खड़ा करके मेरे एसेज वो पढ़ाती थी. तो उस वक्त मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला एट अ यंग एज कि ये राइटिंग मैं कर सकती हूँ. तो मैं काफी सालों से करती आ रही हूँ. आई थिंक माय क्राफ्ट एज अ राइटर इज स्ट्रॉन्गर. बट आई रियली लव एक्टिंग एंड आई थिंक जो मेरे एक्स्ट्रो आई एम ह्यूज एक्स्ट्रोवर्ट तो मेरे जो एक्स्ट्रोवर्टेड साइड है वो बहुत खिल जाती है जब मैं एक्टिंग करती हूँ. तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मुझे रोल्स भी शायद इतने अच्छे मिले क्योंकि जो मैं मुझे पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को समझ नहीं आती कि वो मीरा जैसी खातून के साथ कहाँ उनको फिट करें. यू नो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं आपको आप मजलूम नहीं कर सकती क्योंकि आप है ही नहीं मजलूम. तो मैंने कहती हूँ कि लेकिन एक्टिंग इज एक्टिंग. तो वो उनको एवरी प्रोड्यूसर हैज देयर ओन विजन फॉर वेयर दे थिंक यू फिट बेस्ट. बट टाइप कास्टिंग भी होती है यू नो. क्या आप मजलूम किरदार करना चाहेंगी अगर कोई प्रोड्यूसर सुन रहे हैं या शुद्ध रीच आउट है? अगर अच्छा लिखा हो मजलूम इज नॉट जस्ट कि आप रो रहे हो कमरे में बैठ किसी एक लाउंज में बैठ के आप रोते चले जा रहे हो. मजलूम कैरेक्टर की बहुत अच्छी बैक स्टोरी भी हो सकती है. मैंने भी एक मजलूम कैरेक्टर लिखा है अपनी कहानी में. तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू राइट समथिंग यू नो. आगे चलते हुए अब आपका फोकस दोनों तरफ इक्वल अटेंशन रहेगा राइटिंग की तरफ भी और एक्टिंग की तरफ भी या आप कुछ सोच रही है कि एक चीज को थोड़ा सा ज्यादा आप प्रेफर करेंगी? I think it's a false dichotomy जो लोग अक्सर मैं नहीं कह रही कि आप कर रहे हैं बट लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं आप राइटर हैं या आप एक्टर हैं. आप बहुत सारे लोग आप देख लें सरमद खुसर्त को देख लें वो लिखते भी हैं डायरेक्ट भी करते हैं एक्टर भी बहुत कमाल के हैं और भी बहुत सारे लोग हैं. तो मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ कि कॉन्टेंट क्रिएशन में आऊँ. आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई विल बी एंड वेयर आई विल how far I will go, but I think I'd like to do that so that then I can also do the roles that I enjoy. You know? So, main bilkul, by the way, Hasan, main ek cheez kehna chahungi, ye jo maine likhi hai kitab, ye 6 saal lage hai mujhe likhne mein. Ab main, I'm going to write a novel also, inshallah. In fact, I have to write a novel. I'm under contract to write a novel. But ye hai ki ab wo 6 saal jab main novel likhungi, to mujhe, I have to pay my bills also. So I have to act. I have to do the other work that gets me out of my just the writing because you know real life experiences bhi to bahut zaruri hai aur acting ke zariye main zindagi jeeti hu. Writing to bahut ek isolating kaam hai aapko pata hoga matlab aap journalist hain writing bahut ek isolating kaam hai to main sirf ye akeli nahi kar sakti. Kuch writers se meri baat hui to unhone kaha ki hame to bilkul ek secluded environment mein jana hota sab kuch duniya chhod chhad ke hum ja ke wahan pe bilkul apne aap ko alag thalag karke hi likh pate hain. तो इसलिए मेरा ये सवाल था कि वो तो अब जैसे आप कह रही हैं कि 6 साल आपको लगे ये किताब लिखने में तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 साल इंसान बिल्कुल ही कुछ और ना करे. आई थिंक हर राइटर का भी प्रोसेस फिर डिफरेंट होता होगा आई सपोज.
बिल्कुल. एंड आई थिंक ऑल्सो यू नो द ट्रूथ इज ग्लैमरस लगता है कि अब मेरी किताब आ गई है और बड़ा ग्लैमर अटैच्ड होता है. मतलब मैं डिनाई नहीं कर रही, बट इट डजंट पे द बिल्स हसन. आई नो, आई मीन इवन इफ यू आर पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल पब्लिशर, ऑल राइटर्स टीच, यू नो सारे जो मेरे कॉलीग्स हैं जो राइटर्स हैं वो हर कोई ना कोई हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, बिकॉज पीपल लोग आपको पता है इतनी किताबें आजकल नहीं पढ़ते, बुक्स डोंट सेल. So you have to have a profession. So for me, my acting actually pays the bills also. So for me, it's very important that I keep doing it. आपके ज़हन में कोई ऐसी कहानी आपकी अपनी लिखी हुई टीवी की स्क्रीन या फिल्म की स्क्रीन की नजर से है कुछ? मेरी इस किताब में एक दो कहानियां हैं जिनके बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो I don't want to give them away. But adapt हो सकती हैं. But ये है कि अब हर चीज अब मैं खुद, अब मैं देखिये मैं तो सिर्फ अपना एक अदना सा मशवरा दे सकता हूँ. मेरे ख्याल में आप, खैर वो इट्स योर कॉल एट द एंड ऑफ द डे, बट आई रियली वांट कि किसी तरह से कुछ जादू की छड़ी हो और आप पाकिस्तान में आके अपना एक प्रोडक्शन हाउस सेटअप कर लें और आपके थ्रू हमें इस तरह की कहानियां जो कि हम नहीं देख रहे अभी तक टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर और फिल्मों में, वो हमें देखने को मिल सके. अगर ऐसा हो सके तो वो मेरे ख्याल में एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी मेरा. बहुत, मतलब ये मेरा एक ख्वाब भी है, बट पता नहीं ये कब होगा और कैसे होगा, बट दैट वुड बी अमेजिंग. और यू नो बहुत हसन लाइक माइंडेड लोग भी हैं. जब आप सोचें अभी माहिरा भी अपना प्रोडक्शन हाउस कर रही है, सरवत है, सनम सईद है, उन्होंने मुझे अक्सर कहा है कि हम इकट्ठे होके कुछ करते हैं. यू नो उस्मान के साथ मेरी हमेशा बात चलती रहती है कि हम कुछ, तो लोग चाहते हैं कि वो करें, बट ये है कि टेक्स अ लॉट ऑफ, यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. तो Yeah. मेरा कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो आपने साइन किए हैं जिनके बारे में आप बता सकती हैं, फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी मैंने कुछ साइन नहीं किया बिकॉज़ आई हैव बीन हियर फॉर द लास्ट 3 मंथ्स. तो अभी मैं एक्चुअली अभी मैं खैर कुछ कह नहीं सकती, बट मैं अभी एक स्क्रिप्ट लिखवा रही हूँ. अच्छा. तो वो मेरा फोकस अभी उस पे है थोड़ा बहुत आजकल. जी थैंक यू सो मच मीरा, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर. बहुत मुझे मजा आया आपसे बात करके. आपका शुक्रिया, आपने अपनी सुबह सुबह हमारे लिए टाइम निकाला. It's been a pleasure. Thank you so much. Thank you, Hasan, for doing this. And it's always a pleasure. And you know, I really love the interviews you do at Something Hot because aap badi consistency ke saath karte hain aur bada maza aata hai. And may you prosper. Thank you. Thank you. Thank you so much, Meera. Aap to khud itni zabardast host hai. Main aapke interviews dekhta hoon aur main bahut enjoy karta hoon. Aur aapke interviews mein to views bhi bahut zyada aate hain humse. So it really, it's a huge compliment coming from you. Thank you very much. Thank you, Hasan. Khuda hafiz. Khuda hafiz. Thank you.